जो तुम्हारे अंदर अगर एक्सेलेंस आएगा तो वो कंपल्शन से नहीं आएगा, एक्सेलेंस आएगा कमिटमेंट से। कमिटमेंट तुमको करना होगा खुद से। मेरे को प्रॉमिस करके तोड़ दिए, सर को प्रॉमिस करके तोड़ दिए, अरे बाबा उसका कोई मतलब नहीं है। अपने आप को प्रॉमिस करके पूरा करना सीखो कि भाई हम प्रॉमिस कर चुके हैं तोड़ेंगे नहीं। एक बार दिल की धड़कन को महसूस करो, हाथ रखो, दिल की धड़कन महसूस करने का प्रयास करो। धड़कन महसूस हो रही है? देखो अभी मैं तुम लोगों को अपने दिल की धड़कन को महसूस करते हुए कसम खाने के लिए कह रहा हूं, गड़बड़ किए तो धड़कन बंद भी हो जाता है। आजकल हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ गया है युवा पीढ़ी में भी, है ना, गड़बड़ होने लगी आजकल। मैं जो बोलूंगा इसको तुम्हें दोहराओगे। दो ही दुनिया में है जो तुम्हारी सफलता की दिल से कामना करते हैं, माता पिता और गुरु टीचर। वो चाहते हैं कि मेरा स्टूडेंट मेरे से भी आगे जाए। आज मैं जो सैलरी कमा रहा हूँ मेरे स्टूडेंट उससे कई गुना अधिक कमा रहे हैं। इंडिया में मेरे स्टूडेंट जो है वो करोड़ के पैकेज पे आ गए, फॉरेन में तो कहीं बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है, उसका गर्व है। हम हर जगह कैसे, जैसे कोई गर्व से फादर बोलता है वैसे हम अपने स्टूडेंट्स के बारे में बोलते हैं। तो माता पिता और गुरु यही तुम्हारी सफलता की असली कामना करते हैं। एक बार पढ़ो और फिर सोचो कि जब तुम ये बात बोलोगे सुनते वक्त उनको कैसा महसूस होगा और सुनने के बाद उनको कैसा महसूस होगा और वो कितने खुश होंगे। और उसके बाद तुम जब घर जाओगे, अगर उनके पांव छूते हो, अगर वो तुमको अपने गले लगा लेते हैं, कितना अच्छा महसूस होगा। ये सुनो, जो लोग आज घर छोड़ करके हॉस्टल में आए हैं, पटना में आए हैं, वो लोग जब इस तरह का फोन करेंगे तो पापा को कितना आश्वस्त महसूस होगा। ये सुनो, अब लगा लो फोन करो, हेलो पापा, मैंने आपको कभी ये कहा नहीं, लेकिन आज मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप दोनों मेरे लिए जितने भी कष्ट झेलते हैं, जितना मेरे लिए किया है, उसका उपकार तो मैं जीवन भर भी नहीं चुका सकती, लेकिन आज मैं एक प्रण लिया है कि मैं आपके सपनों को पूरा करूंगी। अगर तुम्हारा संगत खराब हुआ तो तुम भटक जाओगे, ये दो चीजों का ध्यान रखना। और नेचर भटकाती है, प्रकृति भटकाती है, चाहती है कि तुम सफल ना हो। अननेचुरल वे में मेहनत करनी पड़ती है तब जाके सफलता मिलती है। नेचुरल तरीका तो है कि आज मन नहीं कर रहा है, आज सो जाते हैं, गर्मी बहुत है, आज जाड़ा बहुत है, आज बारिश हो रहा है, कभी कोई मौसम है जिसमें करके नहीं, आज तो बहुत बढ़िया है काम करने का मौसम है। शपथ चाहूंगा कि आज के इस क्लासरूम में तुम लोग जरूर लो, तुम लोग मेरी बहुत सी बातों को सुने, कुछ संकल्प जरूर मन में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों ने जरूर डिसाइड किया होगा कि सर जो बात बोल रहे हैं सही बात बोल रहे हैं, करेंगे। यस और नो? और दूसरा कोई रास्ता है भी नहीं, यही एकमात्र रास्ता भी है। तो इस रास्ते पे चलने के लिए जो वो कहते हैं ना, क्या नाम है वो, क्या था हीरो, सलमान खान, उसका डायलॉग था पिक्चर में कि एक बार हम कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनते। तो आज तुम लोग कमिटमेंट करो। और दूसरा, मैंने तुम लोग को बताया साम दाम दंड भेद, मैं संस्थान में तुम लोग को कोई रास्ता दूंगा ही नहीं इससे निकलने का, तो कंपल्शन है। लेकिन क्या तुम्हारे अंदर एक्सेलेंस, उत्कृष्टता कंपल्शन से आ सकती है? जो तुम्हारे अंदर अगर एक्सेलेंस आएगा तो वो कंपल्शन से नहीं आएगा, एक्सेलेंस आएगा कमिटमेंट से। कमिटमेंट तुमको करना होगा खुद से। मेरे को प्रॉमिस करके तोड़ दिए, सर को प्रॉमिस करके तोड़ दिए, अरे बाबा उसका कोई मतलब नहीं है। अपने आप को प्रॉमिस करके पूरा करना सीखो कि भाई हम प्रॉमिस कर चुके हैं तोड़ेंगे नहीं। हैं, होते हैं लोग ऐसे, हैं लोग, प्रॉमिस के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इससे बहुत, ये बहुत बड़ी चीज, हम लोग कहते ना रघुकुल बीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो तुम लोग आज ये वचन लो अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, और इस एक वचन को अगर पूरा कर लिए तो तुमको लाइफ में रुकने वाला कौन मिलेगा। चलो खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े होंगे, सबको खड़े होने के लिए बोला है। जेब से हाथ बाहर निकालो, तुम लोग सब अभी युवा हो, युवावस्था में बहुत जोश होता है, बहुत ऊर्जा होती है, शरीर में रक्त में धमनियां, मतलब धमनियों में रक्त
बहुत तेज प्रभाव करता है, ये सुनो, है ना। तो एक बार दिल की धड़कन को महसूस करो, हाथ रखो, दिल की धड़कन महसूस करने का प्रयास करो। महसूस हो रहा है? धड़कन महसूस हो रही है? ठीक। देखो अभी मैं तुम लोगों को अपने दिल की धड़कन को महसूस करते हुए कसम खाने के लिए कह रहा हूं, गड़बड़ किए तो धड़कन बंद भी हो जाता है। आजकल हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ गया है युवा पीढ़ी में भी, है ना, गड़बड़ होने लग गया आजकल। मैं जो बोलूंगा उसको तुम्हें दोहराओगे। मैं आज ये प्रण लेता हूं कि प्रतिदिन संस्थान में अपनी सभी कक्षाओं को और प्रैक्टिकल लैब को प्रतिदिन अटेंड करूंगा। मैं हर दिन क्लासेस में होने वाली पढ़ाई और दिए गए टास्क को घर पर अपना समय देकर के पूरा करने का प्रयास करूंगा। मैं संस्थान में कराए जा रहे व्यावहारिक कार्यों, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स और लाइव प्रोजेक्ट्स को पूरा करूंगा। मैं संस्थान के शिक्षकों और कर्मचारियों के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करूंगा। मैं अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए संस्थान द्वारा बताए गए रास्ते पर प्रतिदिन चलूंगा। मैं 3 साल की अवधि में अपने करियर के निर्माण के लिए सभी प्रयास पूरी तत्परता के साथ करूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब ने बहुत बड़ी शपथ खाई है, आप सब ने एक बहुत बड़ा आज प्रण लिया है और निश्चित रूप से तुम लोग इसके शपथ लेने के लिए तुम लोग शुभकामना के हकदार हो। और तुम लोगों को मैं यह लिबर्टी जरूर देता हूं कि जब भी कोई ऐसा विकट परिस्थिति हो, जब तुम क्लास करने में असमर्थ हो, जब तुम विशेष परिस्थिति के कारण किसी भी स्थिति में क्लास करने के लिए असमर्थ नहीं हो, विशेष रूप से बीमार हो, विशेष रूप से तुम्हारे संग कोई हादसा हो गया है, ऐसी परिस्थिति में तुमको जरूर इस शपथ से छूट है। अन्यथा जब तुम्हारे पास कोई ऐसा विशेष बंधन ना हो, कोई ऐसा कोई तकलीफ ऐसी ना हो जिसके कारण तुमको क्लास करने से रोक रही हो, तो तुम निरर्थक क्लास को छोड़ोगे कभी भी नहीं। ये तुम शपथ से बंध गए हो और तुम अपने लिए शपथ खाए हो, अपने आप से कमिटमेंट किए हो। अब वैसे ऑन रिकॉर्ड किए हो ये अलग बात है, ठीक है ना, मेरे पास तो वीडियो एविडेंस है, ठीक है, चलो बैठ जाओ। अभी तुम लोग एक फोन और करोगे, तुम लोग में से ऐसा कोई यहां पर है जो कि एक ही परिवार से 2-3 लोग हो, क्या नाम है? अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा, भाई बहनों, वेरी गुड, एक्सलेंट, आ जाओ बेटा, तुम आ जाओ, बैठ जाओ। तुम सब लोग का फोन ऑफ है, निकाल लो, फोन ऑन करो, अपना फोन ऑन करो, सारे लोग फोन ऑन कर लेंगे। देखो, तुम्हारे माता पिता ने तुमको यहां तक पहुंचाने के लिए बहुत अपने स्तर से परिश्रम किए हैं। जो छोटा बच्चा होता है उसको अगर 2 दिन भी छोड़ दिया जाए तो वो जीवित रहेगा? तुमको अगर थोड़े देर के लिए भी छोड़ दिया जाए तो बच्चा जो है वो असुरक्षित हो जाएगा, उसके लिए जीवन बहुत संघर्षपूर्ण हो जाएगा।
तुमको बहुत सुरक्षित तरीके से रखा गया, पालन पोषण किया गया, तुमको सब कुछ तुम्हारी जरूरतों को पूरा किया गया, और अब तुम लोग इस मुकाम, अब तुम उन्हीं के अंश हो, नहीं उन्हीं के अंश हो, सब कुछ उन्हीं से हासिल हुआ है, और उनको इस बात का संतोष होता है कि मैं तो चला जाऊंगा, मैं चली जाऊंगी, मेरा अंश धरती पर रह जाएगा। कभी सोच पाए इस तरीके से? उनका संतोष, उनका सुख इस बात में है कि मैं चला भी जाऊं कोई बात नहीं, मेरा अंश रहेगा, मेरी बेटी रहेगी, यही सोच के खुश होते हैं। सुनो, ये उनकी सोच है। लेकिन तुम्हारी सफलता में सबसे अधिक खुश कौन होते हैं? तुमसे ज्यादा खुश तुम्हारे माता पिता होते हैं। दो ही दुनिया में है जो मतलब तुम्हारी सफलता की दिल से कामना करते हैं, माता पिता और गुरु टीचर। वो चाहते हैं कि मेरा स्टूडेंट मेरे से भी आगे जाए। आज मैं जो सैलरी कमा रहा हूं, मेरे स्टूडेंट उससे कई गुना अधिक कमा रहे हैं। इंडिया में मेरे स्टूडेंट जो है वो करोड़ के पैकेज पे आ गए, फॉरेन में तो कहे बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है, उसका गर्व है। हम हर जगह कैसे, जैसे कोई गर्व से फादर बोलता है, वैसे अपने स्टूडेंट्स के बारे में बोलते हैं ना? तो माता पिता और गुरु यही तुम्हारी सफलता की असली कामना करते हैं, और तुम अक्सर उनको इस बात का आश्वासन नहीं दे पाते हो कि तुम उनके बताए गए रास्ते पे चल रहे हो, या तुमको, तुम कभी उनको ढंग से आज तक एक प्रयास भी नहीं करते हो धन्यवाद कहने का, थैंक यू बोलने का। कभी बोला क्या जो उन्होंने इतना कुछ किया, जो कुछ भी किया? सर बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा, बोलने से होगा नहीं, लेकिन बोलना भी जरूरी है। कल को कोई लड़की से प्रेम होगा तो बोलोगे आई लव यू, बोलो ना है? वहां पर बोलना जरूरी लग रहा है, मम्मी को बोलना, पापा को बोलना जरूरी है कि वो खुद ही खुद समझते जाएंगे क्या हमेशा? उनको तुमने कभी बोला नहीं। फोन सब कौन हो गया है? क्या जी फोन तुम्हारा? सब लोग पहला फोन पापा को करेंगे, फिर मम्मी को भी करेंगे, और तुम लोग को क्या बोलना है, कैसे बोलना, कभी तुम लोग उसको भी तैयार नहीं करते हो, जो तुम्हारे लिए मैंने लिख के दे दिया है। लगाओ फोन पापा को और उनको दिल से बोलो आज, आज अपने मम्मी पापा को ये जो बात लिखी भी पढ़ने में आ रही है, पढ़ पा रहे हो? एक बार पढ़ो और फिर सोचो कि जब तुम ये बात बोलोगे, सुनते वक्त उनको कैसा महसूस होगा और सुनने के बाद उनको कैसा महसूस होगा, और वो कितने खुश होंगे, और उसके बाद तुम जब घर जाओगे, अगर उनके पांव छूते हो, अगर वो तुमको अपने गले लगा लेते हैं, कितना अच्छा महसूस होगा। या सुनो, जो लोग आज घर छोड़ करके हॉस्टल में आए हैं, पटना में आए हैं, वो लोग जब इस तरह का फोन करेंगे तो पापा को कितना आश्वासन, आश्वस्त महसूस होगा। या सुनो, अब लग रहा जाओ फोन करो। हेलो पापा, मैंने आपको कभी ये कहा नहीं, लेकिन आज मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप दोनों मेरे लिए जितने भी कष्ट झेलते हैं, जितना मेरे लिए किया है, उसका उपकार तो मैं जीवन भर भी नहीं चुका सकती, लेकिन आज मैं एक प्रण लिया है कि मैं आपके सपनों को पूरा करूँगी। मैं प्रतिदिन क्लास करूंगी, खुद में भी पढ़ूंगी, रोज कुछ नया सीखूंगी, बुरी संगत से दूर रहूंगी। आप दोनों और आपके शिक्षकों को कहा हर बात मानूंगी। आज शुभ दिन है, आपका आशीर्वाद चाहिए। हेलो 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 पापा है तुम्हारे? हेलो क्या नाम है? धनंजय कुमार जी बोल रहे हैं। नमस्कार, आपने सुना आपकी बेटी ने जो भी कसम खाया आपको फोन पर? शब्द नहीं है, लेकिन बच्ची बच्ची बड़ी भावुक होकर के फोन करी है आपको, और इसने आज ये प्रण लिया है कि ये 3 साल तक अपने अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करेगी, आपके सपनों को पूरा करेगी। बिल्कुल बिल्कुल करेगी।
आपका आपका आशीर्वाद आज, आपका आशीर्वाद आज इसके इस पहले दिन में आपका आशीर्वाद पूरा होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। अब तुम लोग सबको एक देखो, जैसे भावुक हो गए, सड़क पर हैं, कहीं भीड़ में हैं, लेकिन बहुत भावुक हो रहे हैं ये भी, और बोल रहे हैं कि ऐसा तो कभी जिंदगी में सुने नहीं थे, लेकिन भले व्यक्ति है जरूर, इसलिए इतना ये हो रहे हैं इस तरह से। तुम लोग सब लोग पर फोन करो, ठीक है ना, सब लोग कॉल करो, बैठो बैठो, माइक दे दो, लगा लो, कॉल लगाओ और पापा से अपनी बात करो, मेरा भी बात कराओ फिर, और पूरा लाइन पढ़ के सुनाओ अच्छे से, पूरा लाइन पढ़ के सुनाओ। पापा को कुछ तुम लोग पापा को फोन करो और बोलो कि मैंने आज एक कसम खाई है और मेरे सर डायरेक्टर सर ने कहा है कि ये मैं आपको पढ़ करके, इधर आ जाओ, डायरेक्टर सर ने कहा है कि आपको पूरा कसम पढ़ करके सुनाने के लिए, तो थोड़ा सुन लीजिए आप, वो सुनेंगे फिर तुम्हारी बात, है ना, तुम लोग अच्छे से सुनाओ सबको, लड़की आ जाओ, लो माइक ले लो, लगाओ फोन, लो इसको दो माइक। हाँ पापा, आज कसम खाए, डायरेक्टर से बोले हैं वो आपको पढ़ के सुनाने के लिए, कसम खाए वो आपको बोले हैं डायरेक्टर से पढ़ के सुनाने के लिए। हाँ कॉलेज में क्या हो, थोड़ा फोन नहीं लग रहा है। सुनिए, मैंने कभी आपको ये कहा नहीं, लेकिन आज मैं आपको कहता हूँ थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप दोनों ने मेरे लिए जितनी जीवन में कष्ट झेले हैं, जितना मेरे लिए किया है, उसका उपकार तो मैं जीवन में कभी चुका नहीं सकता, लेकिन आज मैं मैंने कभी आपको ये कहा नहीं है, लेकिन आज मैं खुद से भी थैंक यू कहना चाहती हूँ। सीखूंगा, आप दोनों ने मेरे लिए जितने कष्ट झेले हैं, जितना मेरे लिए किया है, उसका उपकार तो मैं जीवन में कभी चुका नहीं सकती, लेकिन आज मैंने एक प्रण ली हूँ कि मैं आपके सपने को पूरा करूँगी। मैं प्रतिदिन क्लास करूँगी, खुद से पढ़ूंगी, रोज कुछ नया सीखूंगी, बुरी संगत से दूर रहूंगी। आप दोनों और अपने शिक्षकों को कहा हर बात मानूंगी। आज शुभ दिन है, आपका आशीर्वाद चाहिए। हेलो बेटा, कुछ बोला आपको सुने आप, मुझे लगता है कि इसके इस शपथ में आप भी इसको साथ देंगे, इसको आशीर्वाद दीजिएगा। चलिए बहुत शुभकामना है बेटा, अच्छा करे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी कभी इससे मिलते जुलते रहिएगा और गलत दिशा में ना जाए, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हेलो, हाँ बेटी, आपको कुछ सुनाई कसम खाई है आज, सुन के आपको अच्छा लगा होगा, पूरी बात आपको समझ में आई, इसके सुनने को मिला आपको पूरा। चलिए बहुत हमको लगता है कि बच्ची को आपको आशीर्वाद मिले और बच्ची अपने 3 साल के अभियान में सफल हुए, पूरे परिवार का सहयोग मिले इसको। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, हाँ नमस्कार बेटा, ने आपको अपना प्रण सुनाया, अपना जो इसने प्रण लिया है, इसके इस प्रण में आपका भी पूरा सहयोग मिले, परिवार का पूरा सहयोग मिले, और मुझे लगता है कि आपको प्रसन्नता होगी कि बच्चा जो है कुछ अपने जीवन में संकल्प ले रहा है, भगवान करे ये संकल्प पूरा कर सके। चलिए, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, मम्मी तुम्हारी। हेलो, हाँ आज इसने जो प्रण लिया है आपको सुनाया होगा अभी, कभी पहले आपको थैंक यू बोली कि नहीं बोली है, आज तो थैंक यू बोल रही है। अच्छा पहली बार ही बोली है थैंक यू, हाँ चलिए ठीक है, बच्चा लोग को थैंक यू बोलना भी आना चाहिए। हाँ, और इसको इसको कभी भी घर में किसी भी काम के लिए रोकिएगा नहीं, हमेशा क्लास करने भेजिएगा। हाँ, इसका अटेंडेंस पूरा रहे इसका ध्यान रखिएगा, कभी ये खुद से भी आनाकानी करे तो जरूर से इसको डांट के भेजिएगा। हाँ अब हम एक बार में, हेलो, हाँ बेटी ने आपको अपना प्रण सुनाया होगा, थैंक यू भी बोला होगा। हाँ। कभी पहले थैंक यू बोली थी आपको? नहीं। पहली बार बोली है। हाँ। चलिए तो कुछ सीखेगी धीरे धीरे।
और कसम खाइए कि सब बात भी मानेंगे, क्लास भी करेगी, तो इसको क्लास के जरूर भेजिएगा। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ नमस्कार नमस्कार। बच्ची ने आज कसम खाया है कि वो क्लासेस करेगी, और आपको थैंक यू भी बोला होगा इसने। हाँ, बोल रही थी, अभी फोन की है। पहले कभी थैंक यू बोली थी आपको? नहीं, कभी नहीं बोली ना। चलिए, अब कभी आप लोग जितना किए उसका थैंक यू कभी हो भी नहीं सकता है, लेकिन बच्चा सीखेगा धीरे धीरे बोलना। हाँ, और इसको इसको क्लास के लिए हमेशा इंश्योर करिए कि रोज क्लास करे, कभी भी एब्सेंट ना हो। हाँ, कभी भी घर में किसी काम के लिए रुकेगा नहीं इसको, और खुद से रुकेगी तो उसको जरूर डांट के भेज दीजिएगा। हेलो, हाँ नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बच्ची ने आज एक प्रण लिया है कि वो 3 साल तक प्रतिदिन क्लास करेगी, और आज माता पिता से आशीर्वाद भी चाहती है, और आप लोग को धन्यवाद और थैंक यू भी बोल रही है। पहले कभी थैंक यू बोली थी आपको? चलिए अच्छा है, ये सब चीजों को सीखेगी, और इसको आप एक इंश्योर करिए कि क्लास में कभी एब्सेंट ना हो, उसको रोज भेजा जाए यहाँ पर। चलिए चलिए, थैंक यू थैंक यू। लो, हेलो, हाँ नमस्कार। आज आपके बच्चे ने, बेटे ने कसम ली है कि वो लगातार क्लासेस करेगा, और अपना कसम आपको भी सुनाया है, ये सुनाया है क्या? और इसने आपको बताया होगा कि ये लगातार क्लास भी करेगा, और आपकी बात भी मानेगा, टीचर्स की बात भी मानेगा। और हमको लगता है आपको पहली बार थैंक यू भी बोला होगा आज। कभी पहले थैंक यू बोला था क्या? नहीं ना। चलो तो सीखेगा। और इसको क्लास के लिए हमेशा भेजिएगा, कभी भी घर में अगर रुक भी रहा हो तो डांट पे भेज दीजिएगा, लेकिन भेजिएगा जरूर। और कभी बोलेगा कि छुट्टी है तो हम लोग से पता कर लीजिएगा छुट्टी है कि नहीं है। कई बार बच्चे झूठ बोल देते हैं कि छुट्टी है। हाँ ठीक है ना। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत आप लोग को शुभकामना। बच्चा अच्छा करे, इसका 3 साल सफल हो गए। हेलो, हाँ नमस्कार। बच्चे ने आज पहले दिन ही शपथ लिया है कि वो 3 साल तक पूरी पूरी क्लासेस करेगा, और अपना शपथ इसने अपना जो प्रण है आप तक पहुंचा दिया है। पहुंचा आप तक? और आपको इसने धन्यवाद भी कहा होगा, थैंक यू भी कहा होगा। वैसे तो थैंक यू कभी जीवन में लोग कह नहीं पाएगा पूरा जितना बाबा करते हैं, लेकिन कम से कम शुरुआत तो करे, कम से कम बोलना सीखे तो कम से कम। तो इसको आप लोग इंश्योर करिए कि लोग क्लासेस करे, और कभी एब्सेंट ना हो, और कभी भी आप इनको रोके नहीं, और कभी अगर ये खुद रोक रहे हो तो आप इनको जरूर से भेज दें। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। हेलो, हाँ नमस्कार। आज आज आपके बच्चे ने यहाँ पर पहली क्लास के दिन ये प्रण लिया है कि 3 साल तक पूरी मेहनत से और पूरी शिद्दत से प्रतिदिन क्लास करेगा। हाँ सर, थैंक यू सर। और तो और आज बच्चे ने आपको भी थैंक यू कहा होगा, कभी पहले थैंक यू बोला है क्या? हाँ, वो तो हर माँ को उसका बच्चा जो है हीरा लगता है। नहीं नहीं नहीं, आपकी बच्ची बिल्कुल आपकी बच्ची है, लेकिन यहाँ जैसे हमारे मेरे लिए जैसे यहाँ पर मेरे 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं, वैसे ये भी मेरी बच्ची है, लेकिन आपको ख्याल रखना होगा। ये जो स्वप्ना वर्ड आपने बोला ना, ये बिल्कुल आप ही के गाइडेंस में रहेगी, आप ही को ख्याल रखना होगा। ये किससे मित्रता कर रहे हैं, किससे दोस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब ध्यान आपको रखना होगा। नहीं, लेकिन आपको आपको उससे बातचीत करते रहना होगा, मिलते जुलते रहना होगा। मैं 3000 लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा प्रतिदिन, आप अपनी बच्ची से रोज बात कर सकती हैं, है ना। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, बच्चे को इस उम्र में कई बार माँ बाप लगते हैं कि दूर हैं, और लगते हैं कि वो माँ बाप उसका भला नहीं समझ रहे हैं, उनको लगता है कि दोस्त भला समझ रहा है, जबकि माँ बाप से ज्यादा उनका भला चाहने वाला और समझने वाला कोई दूसरा नहीं होता है। नहीं,
नहीं नहीं हमारा 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 गाइडेंस हमारे 3,500 बच्चे सबके ऊपर एक बराबर रहता है, लेकिन माँ बाप को हम फ्री नहीं करते हैं, माँ बाप को हम और काम पे लगा देते हैं, क्योंकि माँ बाप फ्री हो जाएंगे तो बच्चा गबरा जाएगा, माँ बाप को तो काम पे लग जाना पड़ेगा। इन लोग अपना काम यहाँ कर रहा है, आप अपना काम शुरू कर दीजिएगा, और ध्यान रखिएगा कि लोग क्लास कर रहा है नहीं कर रहा है, अटेंडेंस है नहीं है, पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, दोस्ती किससे कर रहा है, हाँ इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बहुत 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 धन्यवाद आप सभी को, बहुत शुभकामना, बच्चा अच्छा करे, मंगल कामना, प्रभु का आशीर्वाद इन सब बच्चों को हो। बाकी हेलो नमस्कार, हाँ नमस्कार, प्रणाम प्रणाम। बच्चे में दिनों चुके सही बात, बच्चे में आज पहली क्लास के दिन शपथ ली है और इसने अपनी शपथ की बात आप तक पहुंचा दी है, आपको सुनने को मिला सब बातें? चलिए मुझे लगता है कि इसने आपको थैंक यू भी कहा होगा, धन्यवाद भी कहा होगा, आपने आज तक जो कुछ किया है, वैसे ये बोलने से धन्यवाद होगा नहीं, इसको कुछ करके दिखाना होगा और माँ बाप की अपेक्षाओं को सपनों को पूरा करना होगा। हाँ लेकिन आप लोग की तरफ से थोड़ा इसको सहयोग साथ बना रहे, बच्चे का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि रास्ता बिगड़ ना जाए, कोई गलत दोस्ती में चक्कर में ना पड़ जाए, और एब्सेंट ना करे, क्लास करे। आप इनको कभी शादी ब्याह के लिए, मोहल्ला में शादी के लिए या किसी काम के लिए घर पे मत रोक लीजिएगा। हाँ हर क्लास जरूरी है, हर दिन का क्लास जरूरी है, एक भी क्लास छूटना नहीं चाहिए, ये मिशन रखिएगा सर। चलिए बहुत आपने वादा कर दिया, बच्चा अगर घर में बोले कि आज छुट्टी है तो कौन से पता करे छुट्टी है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 शुभकामना है, भगवान का इन बच्चों को इस मिशन में पूरा आशीर्वाद हो, इन लोगों का यात्रा सफल हो 3 साल का। हाँ जी नमस्कार, हाँ प्रणाम नमस्कार। बच्चे ने आज पहली क्लास के दिन शपथ लिया, आपको सुनने को मिला? अच्छा अच्छा, इसका ये शपथ पूरा होना चाहिए, इसके लिए इसको आपका पूरा आशीर्वाद और पूरा सहयोग चाहिए होगा। भगवान करे आपका और हमारा तो आशीर्वाद तो है, बस यही दो है जो चाहते हैं कि इसका सही में भला हो जाए, माँ बाप और गुरु यही चाहता है कि बच्चा उससे भी आगे निकल जाए। बस बढ़िया बात है सर, हम तो यहाँ वहाँ तो है नहीं, है तो आप ही लोग सर, देखना तो आप ही लोग तो है। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बिल्कुल फ्री नहीं कर रहा हूँ, मैं आप बिल्कुल इस बात को मानिए कि आपको इसको लगातार देखते रहना होगा, ये क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, दोस्ती किससे कर रहा है, मैं नहीं देख पाऊंगा, मेरे 3,500 बच्चे हैं यहाँ पर, मैं बिल्कुल आपको फ्री नहीं करूंगा, आप इससे रोज बात करिए, व्हाट्सएप करिए, वीडियो कॉल करिए, क्या खाता पीता पूछिए इससे, शरीर स्वास्थ्य खराब ना कर ले, पढ़ाई क्या हुआ नहीं हुआ पूछिए इससे, ये सब करते रहना पड़ेगा, मतलब बच्चा को बड़ा करना आसान थोड़ी ना है, तो बात आप जानते ही है, आज तक जो है इतना ध्यान दिए तो अभी भी ध्यान तो देना पड़ेगा आपको। सर हमारे तरफ से तो पूरा कोशिश है, तो बस हमारे हमारे क्लासरूम में भेज दीजिएगा, ये ना हो कि घर में बैठ जाए, ये ना हो कि फीस दे करके भी घर पे रहे। अच्छा अच्छा, हाँ बाकी क्लासरूम में जो बच्चा आता है वो बहुत आगे निकल जाता है, उसको कोई रोक नहीं पाता ताकत, हमारे बच्चे जो आज पूरी दुनिया में छा गए हैं। ठीक है सर, हमारा तो ध्यान है ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत मुझे लगता है इसने आज आपको थैंक यू भी बोला होगा, आप लोग को भी इसने कहा होगा कि आपकी बातें मानेगा, कसम खाया है, और आपका भी ऐसी बात। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमेशा हमेशा, मैं तो आज भगवान का भी आशीर्वाद इन लोगों के लिए साथ में प्रार्थना की हम लोग कि 3 साल तक पूरा हम लोग को ईश्वर का आशीर्वाद मिले और 3 साल तक इन लोगों को कोई भटकाव ना मिले। हम तो किसान आदमी है, खेती गृहस्थी करने वाला, किसान उपजाता है, हम खाते हैं तभी तो हम जीवित रहते हैं, अन्नदाता है किसान, अन्नदाता है किसान, किसान को तो सत सत नमन है। हेलो, हाँ नमस्कार, बच्चा आज पहले क्लास के दिन शपथ लिया है, आप तक शपथ की बात पहुंचाया और आपको इसने थैंक यू बोलने का कोशिश किया होगा, पहले कभी बोला था क्या? पहली बार बोला है, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे सीखते हैं और ये 3 साल तक पूरी क्लासेस कर सके, अपना शपथ पूरा कर सके, शपथ तोड़ेगा, इस पर आपको भी थोड़ा इसको सहयोग देना होगा और थोड़ा गार्जियनशिप इसके ऊपर में और कड़ी कर देनी होगी, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ जा, किन दोस्तों, दोस्त कैसे हैं इसके, इस तरह की चीजों को ध्यान रखना होगा, गलत भोजन और गलत संगत
इन दो चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर में, ना भोजन खराब हो ना संगत खराब हो। चलिए बहुत बहुत शुभकामना। गलत भोजन और गलत संगत, ये दो चीजें तुमको भटका देंगी, बाकी कोई चीज इससे दिक्कत नहीं होगा, बाकी कोई चीज से दिक्कत नहीं होगा। अगर तुम्हारा भोजन खराब हुआ तो तुमको तकलीफ आ जाएगी, पढ़ाई छूट जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा। अगर तुम्हारा संगत खराब हुआ तो तुम भटक जाओगे। ये दो चीजों पर ध्यान रखना। अब नेचर भटकाती है, प्रकृति भटकाती है, चाहती है कि तुम सफल ना हो। अननेचुरल वे में मेहनत करनी पड़ती है तब जाके सफलता मिलती है। नेचुरल तरीका तो है कि आज मन नहीं कर रहा है, आज सो जाते हैं, गर्मी बहुत है, आज जाड़ा बहुत है, आज बारिश हो रहा है। कभी कोई मौसम है जिसमें करे कि नहीं आज तो बहुत बढ़िया है, काम करने का मौसम है, हा? कभी बसंत का सुहाना मौसम होगा तो इतने सुहाने मौसम में कोई काम करता है क्या? हर मौसम के लिए बहाना है, इतना सुंदर बारिश में कोई काम करेगा, इतना गर्मी में कोई काम करेगा, इतना जाड़ा में कोई काम करेगा? असल में बात को, इसलिए प्रकृति तो भटकाती है। तुम्हारा काम है कि प्रकृति के विपरीत जाकर के अननेचुरल वे में तैयारी करो। नेचुरल टेंडेंसी काम करने की नहीं होती, नेचुरल टेंडेंसी काम चोरी की होती है। अननेचुरल वे में लोग एफर्ट डालते हैं। चलो तुम लोग सबको आज इसी शपथ के साथ अब हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं, शुभकामना देते हैं, बहुत बहुत तुम लोग को हम आशीर्वाद देते हैं। और मैंने आज तुम लोगों को कुछ मिशन दिया है, टास्क दिया है, जो एक ही टास्क दिया आज, तो वो टास्क दिया कि अपने लिए एक अच्छा सा तुम लोग एक लक्ष्य निर्धारित कर सको। ये इस बार मैंने आज नहीं बांटा, मैं कई बार एक ब्रूसली लेटर का फॉर्मेट बच्चों में बांटता था। ब्रूसली लेटर का फॉर्मेट था जिसमें, ब्रूसली का नाम सुना तुम लोगों ने, हॉलीवुड में बहुत बड़े एक्टर हुए और वो अपने मार्शल आर्ट के लिए जाने जाते थे, अपने एक्शन ओरिएंटेड मूवीज के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने आप को शपथ लिख के दिया था कि मैं $10 मिलियन कमाऊंगा और ये मैं अपने आप को प्रॉमिस कर रहा हूं। और ऐसे उन्होंने अपने कई सारे टास्क लिखे थे, पॉइंटर्स बनाए थे अपने लाइफ के, और वो चिट्ठी उन्होंने बनाई, अपने आप को लिखी कि मैं अपने आप को वादा कर रहा हूं, और वो चिट्ठी वो अपने साथ रखते थे। वो चिट्ठी बाद में जारी हुई, पब्लिश हुई, और उस चिट्ठी का नाम द ब्रूसली लेटर पड़ गया। तो मैं कहता हूं कि आज तुम अपने आप को वो ब्रूसली लेटर लिखो जिसमें तुम अपने आप को वो कमिटमेंट करो कि मैं अपने जीवन में क्या हासिल करने का लक्ष्य। और ज्यादा जीवन का बात भी ना करूं, अभी मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूं कितना, 5 साल, कि अगले 5 सालों में मुझे क्या अचीव कर लेना है, और फिर उस क्या को तुम और डिफाइन करते जाओ, क्लियर करते जाओ, और फिर उस क्या को कैसे अचीव करोगे इसको क्लियर करते जाओ, जानते जाओ। जैसे जैसे जानते जाओगे वैसे वैसे पाते जाओगे, जानोगे नहीं तो पाओगे भी नहीं। जानना संभव है, पाना संभव है। देखा है मैं, हमने भी जिंदगी को करीब से, ये मेरी कविता तुम लोग सुन लो, एक हो सकता है तुम लोग को ये प्रेरित करे। देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात कुछ बनती नहीं सिर्फ नसीब से। देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात कुछ बनती नहीं सिर्फ नसीब से। होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, और चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से। आज जो तुम लोगों ने वादा किया है, अगर वो वादा तोड़ दिया तो फिर मतलब वादा ना तोड़, है ना? चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से, होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, और चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से। मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है। चलते हैं सभी पर दिशा का ज्ञान नहीं है, मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है। चलते हैं सभी पर दिशा का ज्ञान नहीं है। भरे पड़े हैं ऐसे भी लोग इस जहान में, जो सांस तो लेते हैं मगर उनमें जान नहीं है। मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है। चलते हैं लोग मगर दिशा का ज्ञान नहीं है। भरे पड़े हैं ऐसे भी लोग इस जहान में, जो सांस तो लेते हैं मगर उनमें जान नहीं है। तो तुम्हारे अंदर जान है कि नहीं है, तुम्हारे अंदर जो है वो कमिटमेंट है कि नहीं है, ये तुम लोग को प्रूफ करना है अगले 3 सालों में। और आज तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे ये मायने
रखता है। मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, चलते हैं सभी पर दिशा का ज्ञान नहीं है, भरे पड़े हैं ऐसे भी लोग इस जहान में जो सांस तो लेते हैं मगर उनमें जान नहीं है। अब करना है चमत्कार, करना है चमत्कार तो चरित्र को सूर्य की तरह चमकाना होगा, आती जाती सांसों में उत्साह के प्रवाह को लाना होगा और परिस्थितियां साथ दे या ना दे अपने इरादों को अपने हौसलों को बुलंद बनाना होगा। करना है चमत्कार, करना है चमत्कार तो चरित्र को सूर्य की तरह चमकाना होगा, आती जाती सांसों में उत्साह के प्रवाह को लाना होगा और परिस्थितियां साथ दे या ना दे अपने इरादों को बुलंद बनाना होगा। मेरे हालात को हंसने वाले बिना सोच कि मैं कमजोर हूं, मेरे हालात को हंसने वाले बिना सोच कि मैं कमजोर हूं, ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है, ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है कभी रात है। इस काली अंधेरी रात के पीछे, इस काली अंधेरी रात के पीछे उजाले की किरण मुझे दिखाई देती है जो धीरे से मुस्कुरा के मेरे कानों में कहती है कि हिम्मत न हार, कि हिम्मत न हार, मैं आती हूं बस थोड़ा तुझे आजमाती हूं, बस थोड़ा तुझे आजमाती हूं। अभी सूरज का निकलना बाकी है, अभी सूरज का निकलना बाकी है, चिड़िये का चहकना बाकी है, मुर्गे का बांग देना बाकी है और इस काली अंधेरी रात के पीछे उजाले की किरण मुझे दिखाई देती है जो मुस्कुरा के मेरे कानों में कहती है कि हिम्मत ना हार, मैं आती हूं बस थोड़ा तुझे आजमाती हूं। जब जब लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, जब जब लाइफ में दिक्कत आएगी, यही समझना कि काली अंधेरी रात के पीछे उजाले की किरण मुझे दिखाई देती है जो मुस्कुरा के कानों में कहती है कि हिम्मत ना हार, मैं आती हूं बस थोड़ा तुझे आजमाती हूं। रास्ते कितने भी कठिन हो, रास्ते कितने भी कठिन हो, अपने मंजिल को ना छोड़ना, रास्ते कितने भी कठिन हो अपने मंजिल को ना छोड़ना और तूफान कितने भी आ जाएं अपने इरादों को अपने हौसलों को ना तोड़ना। मेरी बात, मेरे हालात पे हंसने वाले बिना सोच कि मैं कमजोर हूं, ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है कभी रात है, ये तो बस वक्त की बात है। मेरी बात अगर कांटों की तरह चुभी होगी, मेरी बात अगर कांटों की तरह चुभी होगी उसे भूल समझ लेना, मेरी भूल को अपनी भूल समझ लेना, फिर वक्त मिलेगा होगा तुम्हारा और मेरा सामना, तब तक तुम्हारे भविष्य के लिए मेरी शुभकामना, मेरी शुभकामना। उनको बच्चे बहुत अच्छा करे, 3 साल का ये सफर सुनहरे सफर बने, 3 साल की जो यादें बने तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर यादें बने, ये 3 साल तुम्हारे लाइफ का गोल्डन 3 ईयर्स होगा जिसकी कहानियां तुम अपने बच्चों को सुनाओगे, तुम अपनी कंपनी में, तुम अपने दोस्तों को, अपने गांव में जहां जाओगे वहां सिमस की बातें करोगे। तुम लोग सबको बहुत 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 आशीर्वाद, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you.